नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर प्यार में बदनाम हो जाते हैं, कभी कभी छुपा छुपा कर प्रेम करते हैं फिर भी पकड़ा जाते हैं, या फिर बदनामी बहुत भयंकर लेवल की होती है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं ये किस ग्रह से संबंधित होती है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियो तो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, आमतौर पर माना जाता है कि प्रेम प्रकरण के लिए या फिर प्रेम से रिलेटेड कोई भी इशू के लिए शुक्र स्वराशि में होना, साथ में 12th हाउस जो होता है यानी 12वां भाव का बलवान होना, या फिर शुक्र से संबंध या फिर 5th हाउस का बलवान होना ही पर्याप्त होता है प्यार को सक्सेस दिलाने के लिए। ठीक है, लेकिन राहु भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। वो कैसे, वो सारी चीजें बताऊंगी। देखिए, राहु प्रेम संबंधों को पनपने के लिए खासा रोल निभाता है। कि आपका किसी के लिए प्रेम संबंध मन में हो रहा है, उसके साथ हम प्रेम संबंध रखें, तो ये राहु कराता है। ठीक है, तो प्रेम संबंध भी उस प्रकार के ही होते हैं जिसमें दो व्यक्ति समाज की नजर से छुप छुपा कर प्यार कर रहे होते हैं एक दूसरे को, है ना। तो राहु उनके लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। कोई कोई होता है कि प्यार कर रहा है, खुलेआम कर रहा है, कोई कोई होता है कि नहीं, छुप छुपा कर, किसी से छुपाना है, समाज से छुपाना है, घर गृहस्थी में कोई लोग है उनसे छुपाना है, पड़ोसियों से छुपाना है, तो इसके लिए भी राहु जिम्मेदार होता है। तो देखिए, राहु जो होता है ना, ये रहस्य का कारक ग्रह होता है। तो जितने भी रहस्य है उनकी परतें जो भी होती है, आप एक रहस्य को छुपाने के लिए बहुत सारे परतों का यूज करते हैं, है ना। तो उसको यूज करने के लिए कौन होता है, राहु जिम्मेदार होता है। तो राहु की ही देन होती है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलना ये राहु सिखाता है। जी हाँ, और वो कैसे, वो आपको क्लियर हो जाएगा अभी तुरंत। देखिए, राहु जो है ये झूठ का कारक होता है। बहुत सारे लोग मुझसे तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, लेकिन मैं जितना समझती हूँ मैं उतना आप लोगों के सामने ला रही हूँ। यहाँ पर जो बात होती है कि राहु ऐसा सीन क्रिएट कर देगा कि आपको झूठ को भी सच मानने के लिए आप बाध्य हो जाएंगे। यानी झूठ भी आपको सच लगेगा, सच भी आपको झूठ लगेगा। ये राहु की देन होती है। तो ये राहु का वो स्वरूप है जो प्रेम संबंध यानी असत्य की डोर से बंधे हुए होते हैं, वो राहु जोड़ता है, है ना। या फिर जो संबंध दिखावे के लिए होते हैं या सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं कितना प्यार करता हूँ, मैं कितना प्यार करती हूँ, आजकल सभी लड़के लड़कियां दोनों ही ऐसे करते हैं, तो दिखावे के लिए जो होता है ना वो राहु ही क्रिएट करता है। यानी राहु ही बनावटी सत्य है, आर्टिफिशियल जो होता है वही राहु बनाता है। तो राहु व्यक्ति को झूठ बोलना सिखाता है, बातें छिपाना सिखाता है, बातों को बदल देना सिखाता है। यानी आपने कुछ कहा और जब वो सामने बात आती है तो वो आप पलट जाते हो कि मैंने ऐसा नहीं कहा, तो ये भी राहु ही सिखाता है। साथ में किसी के विश्वास को बहुत सक्सेसफुली अर्जुन कर लेता है और उसके बाद उसे धोखा देता है, ऐसा भी राहु ही करता है। तो इतने सारे क्वालिटी कौन देता है पता है, राहु। देखिए, राहु जो है ना, राहु दिमाग को बहुत भ्रमित कर देता है, हमेशा मन को अशांत रखने की कोशिश करता है। या फिर राहु आपको सच को झूठ, झूठ को सच, या फिर कोई भी सही डिसीजन लेने के लिए नहीं देता अगर राहु पीड़ित है तो। यहाँ पर बात आती है कि राहु खास करके एक तरफा प्यार का वो रूप होता है जिसमें व्यक्ति कभी अपने सच्चे प्यार के सामने आता ही नहीं, या फिर वो छुप छुपा कर सब कुछ देखता रह जाता है क्योंकि परिस्थितियां या ग्रह गोचर उनके अनुकूल नहीं होते हैं या फिर बलवान नहीं होते। तो राहु जिसमें व्यक्ति को कुछ अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता, केवल अपना ही स्वार्थ दिखाई देता है, तो वही होता है राहु। यानी मांस मंदिरा, सेवन, बुरी लत, चालाकी, क्रूरता, अचानक आने वाला गुस्सा, पीठ पीछे बुराई, ये सारी चीजें राहु की विशेषताएं होती हैं और ये सच्चाई है। ठीक है, तो असलियत को सामने न आने देना ही राहु का मुख्य कार्य है। मैं इतनी देर से आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि राहु जो है वो सच को सामने नहीं आने देता है, बल्कि उस पर परत पर परत परत पर परत डालते जाता है। यानी कि असलियत को सामने न आने देना ही राहु की खासियत है और झूठ का पर्दाफाश करना केतु का धर्म है। ठीक है, तो इन दोनों को समझना जरूरी हो जाता है।
देखिए केतु ही है जो संबंध में दरार भी डालता है, यानी बहुत सारे संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं लेकिन उसमें दरार पड़ जाती है, क्योंकि केतु ही दरार भी है। घर की दीवार में अगर दरार आ जाए, यानी किसी भी तरीके का दरार आ रहा है, कटफट हो रहा है या फिर दीवार टूटकर गिर रही है, तो समझ जाइए कि केतु का बुरा प्रभाव है। और अगर संबंधों में भी दरार आ रही है, घर का बंटवारा हो जा रहा है, रिश्तेदार की परिभाषा बदलने लग गई है, तो ये समझ जाइए कि केतु का काम है। तो संकट में राहु का हाथ होता है। कोई भी दुविधा में पड़ रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, मन भ्रमित है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो राहु कर रहा है, वो आपके चित्त को भ्रमित कर रहा है। किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित घटना, यानी जो आपने सोचा नहीं, वो राहु देता है। अगर आप मन से जानते हैं कि आप झूठ की राह पर है लेकिन आपका भ्रम है कि आप सही कर रहे हैं, तो ये भी आपको जो धारणा होती है ये भी राहु ही देने वाला होता है। तो ये राहु बड़ा गुणवान होता है। प्यार में अगर किसी को बदनामी मिल रही है, कोई अकारण किसी पर भी ब्लेम दे रहा है, तो ये भी राहु की ही देन होती है। तो किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति राहु पैदा करता है, यानी आप किसी को धोखा देना चाहते हैं, तो ये आपको कोई और ग्रह नहीं देगा, ये सिर्फ राहु ही देगा, है ना। तो अगर आपके पकड़े जाएं तो इसे भी राहु का ही दोष होता है, क्योंकि वो आपकी कुंडली में अधिक भाग्य में निर्भर करता है ना। तो वो निर्भर ही होता है, तो ये स्थिति बार बार आएगी, यानी आप किसी को धोखा देंगे, बार बार धोखा देंगे, बार बार धोखा देंगे। कभी कभी हम कुछ ऐसे इंसान को भी देख लेते हैं जो कम से कम एक नहीं 10-10 अफेयर करके रखते हैं, या फिर दसों को किसी का पैसा लूट कर भाग जाना, किसी को तकलीफ देना, या फिर किसी के लिए छल कपट करना, तो ये भी राहु ही करवाता है। यानी उसका राहु बहुत ही कमजोर है, जिस वजह से वो व्यक्ति के अंदर इस तरह की प्रवृत्ति आ रही है। आपको अगर ऐसा लगता है कि सब कुछ गुप्त है और आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, या फिर आपके पीठ पीछे लोग बोलने वाले बहुत हैं, कि आपके मुख के ऊपर तो बहुत मीठे बनते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे बहुत ही गलत बातें करते हैं, तो इसको भी समझ लीजिए कि ये भी राहु ही करवाता है। तो ऐसे जातक बड़े ही इससे पीड़ित होते हैं, जिस कारण से इस तरह की चीजें आपके सामने ला देते हैं। तो इसीलिए समझ जाइएगा कि इस तरह के कैरेक्टर अगर आपको दिखे तो वो इंसान राहु से पीड़ित है। तो राहु से अगर पीड़ित है तो इसके भी बहुत सारे उपाय हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ना, हनुमान जी की पूजा करना, शनिदेव की पूजा करना, और साथ में इनको पीपल के पेड़ की पूजा करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमें जानना भी चाहिए कि प्यार में अक्सर धोखा क्यों मिलता है, या फिर अक्सर हमारे साथ ही धोखा क्यों होता है, या फिर अक्सर हम किसी को गलत समझते हैं वो सही निकलता है, और जिसे सही समझते हैं वही गलत निकलता है। तो इसीलिए आज का ये वीडियो था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा ठंडा ठंडा वाला नमस्कार।